भाजपा इन्हें साथ लाने को लेकर काफ़ी एडमेंट है। भाजपा का मानता है कि मुकेश सहनी आएंगे तो उससे वोट बैंक में इजाफा होगा और महागठबंधन के वोट बैंक से लड़ने में कहीं ना कहीं सहूलियत होगी। तीसरी शर्त जो उन्होंने रखी है वो शर्त काफ़ी और कॉम्प्लिकेटेड है। तीसरी शर्त ऐसी शर्त है जिसकी वजह से शायद NDA का हाजमा ही बिगड़ जाए। तीसरी शर्त यह है कि चिराग पासवान से ज़्यादा उन्हें सीटें चाहिए। वो जानते हैं कि चिराग पासवान को लेकर भाजपा काफ़ी तैयार रहती है और अगर ऐसा होगा तो उन्हें वो सीटें चिराग पासवान के समानांतर या ज़्यादा चाहिए। वही दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा सीटों के जितनी समीकरण के हिसाब से मांग कर रहे हैं वो भाजपा के लिए अपने सिटिंग कैंडिडेट्स को काट कर देने के लिए बाध्य करता है। अब उसमें भाजपा कितनी तैयारी कर पाती है, कितने लोगों से बातचीत करती है, कहाँ एडजस्ट करती है अपने उन सांसदों को, इस पर भी टिका हुआ है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए 18 तारीख को NDA की प्रस्तावित बैठक है, इस बारे में आपको पता ही होगा। हालांकि भाजपा ये दावा कर रही है कि ये एक रूटीन बैठक है, लेकिन आपको अच्छे से पता है, हमने चर्चाओं और विश्लेषण के माध्यम से आपको समझाया है कि जो बैठक है दरअसल NDA के स्वरूप को फाइनल रूप देने के लिए बनाई गई है। अब 18 तारीख को जो दल पहुँचेंगे उन दलों को एक साथ एक मंच पर दिखाकर जहां विपक्षी एकजुटता की जो कवायद है उसको ढीला करने की कोशिश की जाएगी, वहीं 30 दलों को बुलाया गया है। तो ये जो कुनबा फिलहाल बन रहा है विपक्ष का उससे बड़ा ये होगा बैठक, तो ये भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। चुनावी साल है, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर भी भाजपा का एक शक्ति प्रदर्शन जैसा होगा। प्रयास तो भाजपा ने अच्छा किया है, लेकिन यहाँ समस्याएँ कई हैं। बिहार से जिन दलों को बुलाया गया है उनमें वैसे भी दलों के नाम हैं जो NDA का हिस्सा नहीं है। आगे चल के NDA की तरफ रुझान होने की वजह से इन दलों को NDA का हिस्सा बनने की संभावना है, लेकिन सीधे तौर पर कोई भी दल NDA में आने या भाजपा के साथ साठगांठ को लेकर तैयार नहीं है। इससे क्या होता है? दरअसल इससे एक बड़ी बात ये होती है कि इस चर्चा को जन्म मिलता है कि भाजपा ने उन दलों को कोई ना कोई प्रलोभन दिया है। अक्सर कोई दल अगर भाजपा की तरफ आना चाहता हो या भाजपा के साथ आ जाता है तो आप देखते हैं कि उस दल के नेता को Z+ या Y+ सिक्योरिटी मिल जाती है। ये भाजपा की तरफ से प्रणव प्रस्ताव है, प्रेम का प्रस्ताव है, पहला गिफ्ट है। भाजपा इसी तरीके से बिहार में कई दलों को अपने पाले में कर चुकी है और जिन दलों को आगे चल के NDA का हिस्सा बनाने की बात चल रही है उसमें मुकेश सहनी की VIP, चिराग पासवान की LJPR और उपेंद्र कुशवाहा की RLJD है। इन दलों को भाजपा कुछ अलग अलग कारणों की वजह से अपने साथ अब तक नहीं ला पाई है। सबकी अपनी शर्तें हैं, सबके अपने जिक्र हैं। आपको पता है कि चिराग पासवान किस तरीके से हाजीपुर की सीट और पशुपति पारस वाली बर्थ मांग रहे हैं, ये भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है। हालांकि अब खबर आ रही है कि भाजपा इस पर फैसला कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा सीटों के जितनी समीकरण के हिसाब से मांग कर रहे हैं वो भाजपा के लिए अपने सिटिंग कैंडिडेट्स को काट कर देने के लिए बाध्य करता है। अब उसमें भाजपा कितनी तैयारी कर पाती है, कितने लोगों से बातचीत करती है, कहाँ एडजस्ट करती है अपने उन सांसदों को, इस पर भी टिका हुआ है। एक और पार्टी है मुकेश सहनी की पार्टी। मुकेश सहनी की पार्टी भाजपा के साथ लव हेट रिलेशनशिप रहा है। पूर्व में भाजपा के साथ आने को लेकर अंतिम समय में फैसला किया, ये दावा किया कि चिराग पासवान ने पीठ में खंजर घोंप दिया, भाजपा ने सीटें दी अंतिम समय पर, उन सीटों पर चुनाव लड़े, आधा आधा का रिजल्ट उन्होंने लाया, 50% रिजल्ट के आधार पर बिहार में जो NDA की सरकार है उसे बनवाया उन्होंने। उस सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खुद बने मत्स्य और जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसके आधार पर, लेकिन इनके विधायकों को उत्तर प्रदेश में इनकी महत्वाकांक्षा इनके बयानों की वजह से भाजपा ने तोड़ दिया। इसका मुख्य कारण बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद भी हैं। अजय निषाद के साथ मुकेश सहनी का 36 का आंकड़ा शुरू से रहा है। अब खबर ये आ रही है कि भाजपा 18 तारीख की बैठक में मुकेश सहनी को बुला रही है, लेकिन मुकेश सहनी ने शर्तें रख दी हैं। मुकेश सहनी ने तीन बड़ी शर्तें रखी हैं। इन तीन शर्तों पर यदि भाजपा मान जाती है तो मुकेश सहनी NDA का हिस्सा बनेंगे, अगर नहीं मान जाती है तो 18 की बैठक में जाने से भी मुकेश सहनी इनकार कर सकते हैं। ये पुख्ता खबर प्राप्त हुई है हमें। जो शर्तें हैं उन शर्तों को जान लेते हैं। सबसे पहली शर्त है मुकेश सहनी ने 3 सीटें मांग ली हैं। ये 3 सीटें बड़ी भयंकर सीटें हैं। इन 3 सीटों पर
अच्छा खासा पहले से ही विवाद है और अब इन तीन सीटों के मांग की वजह से गेम गड़बड़ा सकता है। जो सबसे पहली सीट मुकेश सहनी ने मांग की है वो है मुजफ्फरपुर की सीट। मुजफ्फरपुर लोकसभा अजय निषाद है वहाँ से सांसद, अजय निषाद से ही जो मुकेश सहनी इनका 36 का आंकड़ा हुआ था और इसी वजह से सरकार से इनको अलग भी होना पड़ा था, इनके विधायक टूटे थे और फिर पूरा जो एनडीए के साथ इनका विवाद हुआ था। अब चूँकि भाजपा इन्हें साथ लाने को लेकर काफ़ी एडमेंट है, भाजपा का मानता है कि मुकेश सहनी आएंगे तो उससे वोट बैंक में इजाफा होगा और महागठबंधन के वोट बैंक से लड़ने में कहीं ना कहीं सहूलियत होगी, तो उसके आधार पर जहां एक तरफ इन्हें सीट जो मुजफ्फरपुर की है वो देनी पड़ेगी, वहीं खबर आ रही है कि आरा की सीट जहाँ आर के सिंह केंद्रीय मंत्री भी हैं, आरा के सांसद भी हैं, उनकी सीट पर पहले से ही दो दल दावा कर रहे हैं एनडीए में। अब ये तीसरा दल मुकेश सहनी की पार्टी ने भी दावा कर दिया है उस सीट को, आरा की सीट को वो मांग रहे हैं। इसको लेकर कई बार मुखरता से उनके प्रवक्ता भी बोल चुके हैं। ऐसे में आरा की सीट भी एक ऐसी सीट है जहां पर भाजपा को बैकफुट पर जाकर मुकेश सहनी को एडजस्ट करना होगा। इसके अलावा दरभंगा की एक सीट है जहाँ से राजीव मिश्रा जो कि उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और किस परिवार से आते हैं आपको अच्छे से पता है, बिहार का एक बड़ा जो परिवार रहा है राजनीतिक उससे वो आते हैं और इस पार्टी में जुड़े ही थे, तभी खबर आई थी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि राजीव मिश्रा दरभंगा की सीट पर तैयारी कर रहे हैं और मुकेश सहनी दरभंगा की सीट भी भाजपा से मांग सकते हैं। तो ये एक बड़ी शर्त है, इस शर्त के आधार पर भी मुकेश सहनी भाजपा के बीच समझौता होना संभव नहीं लग रहा है। दूसरी जो शर्त है वो शर्त ये है कि उनके समाज की जो लंबित मांग है, जो बंगाल और अन्य जगहों पर उनके समाज को आरक्षण मिला हुआ है, वो आरक्षण बिहार में भी देना सुनिश्चित करे बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार। अगर ऐसा होता है तो वो गठबंधन में आने को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। तीसरी शर्त जो उन्होंने रखी है वो शर्त काफ़ी और कॉम्प्लिकेटेड है। तीसरी शर्त ऐसी शर्त है जिसकी वजह से शायद एनडीए का हाजमा ही बिगड़ जाए। तीसरी शर्त यह है कि चिराग पासवान से ज़्यादा उन्हें सीटें चाहिए। वो जानते हैं कि चिराग पासवान को लेकर भाजपा काफ़ी तैयार रहती है और अगर ऐसा होगा तो उन्हें वो सीटें चिराग पासवान के समानांतर या ज़्यादा चाहिए। निश्चित तौर पर आगे चल के इन शर्तों पर मुकेश सहनी के बातचीत भाजपा भी करेगी, लेकिन रास्ता फिलहाल कोई निकलता नज़र नहीं आ रहा है। बार बार इन शर्तों को रिपीट करके 18 तारीख की मियाद को भी, उस डेडलाइन को भी बार बार पुश कर रहे हैं मुकेश सहनी। भाजपा कैसे रिएक्ट करती है वो आने वाले वक्त में समझ आएगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।